हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। वेल, इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं और आज जो है मैं अपने दोस्त रवि गुसाई से मिलने जा रहा हूं, जिन्हें कि आप जानते हैं और जिन्होंने मेरे साथ पहले काम भी किया है एक बूंद इश्क में। कुछ याद आया आप लोगों को, जिन्हें आप एक बूंद इश्क सिलसिला प्यार का और ये दो सीरियलों में मेरे साथ देख चुके हैं। फहीम चाचा के नाम से बड़े फेमस हुए थे वो एक बूंद इश्क में, तो मिलते हैं आज उनसे। सर सर आइए, सर आइए सर। तो ये है मेरे रवि भाई, यानी कि अपने फहीम भाई को तो आप जानते ही होंगे एक बूंद इश्क से, हम लोग दोनों साथ में थे। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने आज तक मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इन्होंने ही खींची और किसी ने खींची। ये आर्मी बाबू बन के आए हैं आज और आज हमारे साथ में पिक्चर देख रहे हैं, रक्षाबंधन हमारे दोस्त की फिल्म रिलीज हो रही है, आप सब भी जाके देखो। हाँ। मैं उसकी ऐड भी कर दूं, नीरज सूद की। हाँ, हम वही देखने आए, लेट्स सी कैसी है फिल्म, फिर उसका रिव्यू बताते हैं बाद में। और बताओ यार रवि, क्या किया इतने दिन, मतलब हम तो काफी सालों बाद मिल रहे हैं, मतलब कम से कम 6-7 साल बाद। हाँ, मैं देख रहा हूँ राकेश काफी बड़ा हो गया। नहीं नहीं, मैं उतना मजा उम्र में बड़ा हो गया। नहीं, तूने बोला ना मैं ही खींचता था, तो आज कैसे छोड़ दूंगा। हाँ, आज कैसे तो क्या क्या किया इतने दिन, कहाँ थे, क्या किया? जो एक्टर का रूटीन, मतलब डेली सोप कर लिए, वेब सीरीज कर ली, फिल्म कर ली, और क्या करना। अभी फिल्म किए वैसे सनी देओल के साथ में, शो रहे हैं। तुम भी करने वाले, सूर्या तुम भी करने वाले थे शायद वो पिक्चर, मुझे ऐसा सुनाई दिया था। सूर्या पता नहीं यार, मुझ तक तो ऐसी कोई खबर आई नहीं अभी तक। One more thing.